अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज से पहला जुमा है चाइना में हमारा ना। हम जा रहे हैं, अभी 15 मिनट रह गए हैं, जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी वेलकम सेरेमनी है। मैं रेडी हो गया हूँ, अभी हमने जाना है जुमा पढ़ के, फिर हमने आगे चले जाना है वेलकम सेरेमनी पे। इंशाल्लाह वो भी अटेंड करेंगे। तो इधर ही हमारे फ्लोर पे, हमारे टोटल हॉस्टल के 5 फ्लोर हैं, और 4th फ्लोर पे जो हमारा, जहाँ पे मेरा रूम है, उसी फ्लोर में ना साथ एक जगह बनाई हुई है नमाज़ के लिए। वहाँ पे प्रॉपर सफ़े वगैरह, अच्छी तरह कारपेट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हम सब बच्चे जुमा पढ़ेंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं नहाया हूँ, रेडी हुआ हूँ, अब हम चलते हैं बाहर जुमा वगैरह पढ़ के, फिर आगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे बाहर का व्यू कैसा है। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। मेरा 4th फ्लोर पे है हॉस्टल। धूप निकल आई है, हवा तेज़ है, ठंड है यहाँ पे। कल सारा दिन बारिश थी, तो अभी हम इंशाल्लाह चलेंगे, चल के अल्लाह के फजल से जुमा पढ़ते हैं और फिर आगे चलेंगे। 4th 36 है मेरा रूम। हमने स्लीपर्स वगैरह ही पहने हैं, अभी मैंने शूज़ नहीं पहने। मैं चलता हूँ आपको नमाज वाला एरिया दिखाता हूँ। पढ़ने के बाद चलेंगे बाहर। बहुत तेज हवा है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। रेडी होके पहुंच गए, चेक करें आपको भाई। रेडी, अब सब बच्चे जमा हुए हैं, हम 10 बच्चे हैं तकरीबन। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, पानी वगैरह दे दिया उन्होंने अभी हमें, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने पासपोर्ट भी जमा कराने हैं। ये यहाँ पे रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे, हम फीस पे करेंगे और वो ले लेंगे। 800 RMB की उसकी फ़ीस है, 800 युआन यहाँ के ना पाकिस्तानी तकरीबन बनता है, कोई 30,000 रुपये बनता है, वो हमने फ़ी पे करनी है, फिर हमें ये रेजिडेंस परमिट दे देंगे यहाँ पे। यहाँ से हो गए जी फ्री, अब हम जा रहे हैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी, अपने हॉस्टल में।
ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। जो मट्टी है जो उड़ने वाली है उस पर उसको उन्होंने कवर किया हुआ है, लेबर वगैरह काम कर रही है और प्रॉपर तरीके के साथ सारे काम हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जी वापस यूनिवर्सिटी। ये हमारी लावशी हैं जो हमें लेके आई थी। अब हम जा रहे हैं वापस। शी इज आवर टीचर। टीचर वापिस कैंपस में छोड़ के चले गए हैं।